Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another video of mine. Today I'm going to create a graphic liner look, and graphic liners are really in trend nowadays. So I thought of creating a look that can be very easily created by beginners. So let's get into the video. I have already done my base, so I'll directly start from my eyes and then I will move forward. सबसे पहले मैं अपनी आंखों पे कंसीलर लगाऊंगी। मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर। इस कंसीलर का कवरेज बहुत ही ज़्यादा शीयर है और ये हल्के फुल्के आई मेकअप के लिए ठीक है, लेकिन उतना भी कुछ खास कंसीलर नहीं है। मुझे जल्दबाजी में सामने यही कंसीलर मिला था तो मैंने आज यही लगा लिया, क्योंकि आज मुझे अपने आँखों पर कुछ हैवी आई शेडो नहीं लगाना है तो इससे मेरा काम चल जाएगा। बस इतना ज़रूरी है कि हम लोग अपने आईलिड्स को हल्के से सेट कर ले और अपना रेडनेस जो है आईलिड्स में उसको कैंसिल आउट कर दे। अब मैं अपने आईलिड्स को मेबलिन फिटमी पाउडर से सेट करने वाली हूँ ताकि कंसीलर अपने जगह पे बने रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आईलिड्स को सेट कर ले, वरना कंसीलर इकट्ठा होकर लाइन फॉर्म करने लग जाता है और ये शेयर कंसीलर्स ऐसे भी उतने अच्छे पे ऑफ में नहीं आता है। अभी हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है हमारा ग्राफिक लाइनर, और इसके लिए मैंने लिया है लैक्मे का ब्लू लाइनर। ये लैक्मे के इंस्टा लाइनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका पे ऑफ भी काफ़ी अच्छा होता है। ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे लाइंस ड्रॉ किए। मैंने सबसे पहले एक बहुत ही पतला लाइन ड्रॉ किया ताकि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ा तो मैं उसको मोटा कर सकती हूँ, लेकिन जितना आप पतला कर सके उतना कीजिए, मोटा बिल्कुल भी ना कीजिए अपने फर्स्ट स्ट्रोक को। अगर लाइन बनाने में थोड़ी भी गलती हो जाती है या फिर लाइनर पहनने में थोड़ी भी गलती हो जाती है या फैल जाती है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सूखने का टाइम दिए, उसके बाद ही एक भीगे हुए कपड़े के साथ या फिर सबसे अच्छा होता है ईयरबड के सहारे उसको मिटा दे। उससे आपके आईज़ में कलर फैलता नहीं है और जो भी स्पॉट में वो फैल चुका है पहले, वो स्पॉट भी क्लियरली साफ हो जाता है। आप लोग आगे चल के देखिएगा कि मैंने भी थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं जो मैंने बाद में ईयरबड से मिटा ली थी। अब जो मैं विंग ड्रॉ कर रही हूँ, हमेशा याद रखें कि विंग को अपने आईब्राउ से अलाइन करके ड्रॉ करें। आपका आईब्राउ जहाँ पे एंड होता है उससे ज़्यादा बाहर तक ना खींचे, उससे आपका ये लुक थोड़ा डिफरेंट आएगा। अगर आप चाहे तो आप बाहर तक खींच सकते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली मेरे ही तरह ड्रॉ करना है तो अपने आईब्राउ से अलाइन करके ही अपने विंग को ड्रॉ करें। मैं आपको बोल के तो नहीं समझा सकती कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जानने के लिए कि मैंने अपना आईलाइनर कैसे लगाया। अब मैं एक आर्च ड्रॉ करूंगी जो क्रीज से थोड़े ही ऊपर होगा। क्रीज और इसके बीच में अच्छा खासा गैप रखें ताकि आपका जो आर्च है ऊपर का वो अच्छे से नज़र आए। हाँ, ये ड्रॉ करना किसी किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लें। एक बार में ड्रॉ करने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे स्टेप्स में ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे मैंने दोनों आँखों में किया। अगर आपकी आईज़ मेरी तरह होडेड नहीं है तो आप अपने आर्च को अपने टियर डक्ट तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरी आईज़ होडेड है तो मैंने टियर डक्ट तक ड्रॉ नहीं किया है, उससे मेरी आईज़ छोटी लगती। अब मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया है और उसको मैं अपने आर्च के नीचे प्लेस कर रही हूँ, और बहुत ही छोटे पोर्शन में मैं कंसीलर को फैलाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत छोटे पोर्शन में कुछ ब्राइट या फिर कुछ शिमरी कलर को प्लेस करने वाली हूँ ताकि मेरा आई लुक थोड़ा पॉपअप करे और ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा कलरफुल लगे। आप चाहे तो आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो
अपने हिसाब से कहीं भी कलर को फिल कर सकते हैं। मुझे अच्छा अपने आर्क के नीचे ही लगा कलर को प्लेस करना, तो मैंने वहीं पे किया। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का 42 कलर्स आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। मैंने एक ब्राइट ब्रॉन्जी कलर लिया है और मैं उसी को प्लेस करने वाली हूँ अपने आई लाइनर के अंदर। लेकिन आप चाहे तो आप कोई भी मैट ब्राइट कलर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप शिमरी कलर ले, आप कोई भी ब्राइट मैट कलर भी ले सकते हैं। और ब्लू के साथ येलो हो गया, आपका हो गया पिंक, ब्राइट पिंक, रेड, ऑरेंज, ये सब कलर्स बहुत अच्छे से जाता है कॉन्ट्रास्ट में, तो आप वो सब मैट कलर्स भी ले सकते हैं। बस आप इतना याद रखें कि आप पर्पल या फिर ब्लू कलर का कोई भी शेड ना ले, उससे ब्लू लाइनर फीका पड़ जाएगा और ब्लू लाइनर ही हमारे लुक का आज मेन अट्रैक्शन है, तो उसे फीका नहीं करना है। There is a little bit of fallout, so I'm just going to clear up the fallout. Just taking out the powder. Clear out all the fallout. I'm just applying basically nothing on my lower lash line because I just want my upper lash line and my eyes to speak for themselves. Like I want my blue liner, or you call it my graphic liner, to speak for itself. So I'm just avoiding putting anything on my lower lash line. The only thing that I'm going to apply is mascara, and I'm going to apply a lot of mascara because I really love using mascara. Now I'm going to apply my most favorite sugar ka blush in the shade Peach Peak. I love this blush. जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था तो मुझे doubt था कि ये मेरी skin पे suit करेगा कि नहीं, and the color is very very light, but इसके एक दो coats लगाने के बाद ये color थोड़ा सा show up करने लगता है and it looks very pretty and very flushed out and natural. बहुत ही सुंदर एक pinkish natural color देता है, but sadly this blush just shows up in fair to light medium skin tone. ये थोड़ा सा dark complexion में नहीं show up करता है, ये color थोड़ा सा brownish skin tone पे wash out हो जाता है और वो flushed effect नहीं देता है because this is a very very light color. Now I'm going to apply Maybelline creamy matte and the shade name is Touch of Spice. This is a very versatile color. This is a very lovely color. It's a pinkish nude, more of, you know, a mauvey nude color, and I find this color to be very beautiful. Ye har ek skin tone pe suit karega. This is a very lovely color.
could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. It's already fall season, guys. It's winter and I love winter because I can experiment with a lot of layering, with a lot of warm clothes, and I love winter fashion. Okay, winter is a season, it's not my favorite because I do suffer a lot. I get rashes and I have blood allergies in winter, but keeping that aside, I love winter fashion and I wish I could wear winter clothes all year round. So this time I'm going to film a lot of winter fashion related videos, and for that, stay tuned to my channel. You guys need to be tuned on this channel and support your girl grow, guys. I do put a lot of effort, and if you guys help me grow, if you guys share my videos, it will be really, really nice and helpful, and I will be very thankful to you guys. And if you have liked this video of mine, then please like, share and subscribe to my channel. Take a lot of love.